भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से 15 वर्षों से लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक 15 वर्षों से लंबित CAS को लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है और इसी क्रम में आज अपने मांगों के समर्थन में धरना देते हुए अनशन पर है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा ने कहा कि हम लोगों को कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, परंतु आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हो सका है। 15 वर्ष छोटा समय अवधि नहीं होता है। 15 वर्ष से हम लोग इंतजार में ही हैं कि अब हम लोगों की मांगे पूरी होगी, लेकिन आज तक वह मांग पूरी नहीं हो पाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो और भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए ये जो प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं, ये कोई हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। ये दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो इंडिया में बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है या जो भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 6-6 महीने पे खुद ही होता है, और हमारे यहाँ पे 15 साल से इसको पेंडिंग रखा गया है। जबकि एक नॉर्मल प्रमोशन है ये, जो 6 मंथ्स के बाद APS स्कोर बनने के बाद लोगों को लगता है कि हमारी कुर्सी का खतरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहते हैं कि वही हमेशा इस कुर्सी पे बने रहे और कोई नीचे से इस कुर्सी पे ना आए। तो ये हमारे जो मांग है ये एकदम जेन्युइन और हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट से हम लोग बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ है ये सरकार के पास पहुँचे और उन सारे कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे, ताकि हमारी ये जो मांगें हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। मैं डॉक्टर हिदायतुल्ला मीर, मैं सचिव हूँ प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन। मांग है कि 15 वर्षों से जो हमारी लंबित है प्रोन्नति की प्रक्रिया, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ससमय सबको दे दिया जाए। बहुत सारे हमारे हैं जिनका 3 है प्रोन्नति ड्यू है, कुछ का 2 है और कुछ का 1 है, उनको समय से दे दिया जाए ताकि उनको सिर्फ पैसे का ही नहीं बाकी हर चीज़ का लाभ मिल सके। कुछ ऐसे हैं जो सीनियर साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट हो जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और डीन डायरेक्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमारा ये है कि जो कमेटी हाई लेवल बनी थी उसने जो अनुशंसा की है, प्रकाशित हुआ कि हमें मिलना चाहिए। 20 में जो प्रकाशित हुआ उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी जो हम लोगों के हित में नहीं थी। ये जब कॉलेज था तो यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, तो जो उन्होंने उसमें हमसे मांगा वो संभव नहीं है कि 2020 में आप 2006 या 2007 का काम मांग रहे थे, वो संभव नहीं था देना। तो इस वजह से हम लोग उदासीन हुए और उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनी और अनुशंसा गई, जो अब तक वहाँ से अनुशंसित होकर नहीं आई है। हमारी उदासीनता इसी से है कि आप अनुशंसित करके, वो विश्वविद्यालय का काम है कि वो वहाँ से लाएँ और उसको लागू करें। मैं डॉक्टर श्वेता सांभवी, असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस। जी, हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 15 वर्षों से जितने सारे यहाँ शिक्षक बैठे हैं सबकी प्रोन्नति लंबित है, उसी मांग को लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। विगत कई सालों से हम लोग संघर्षरत करते हुए, लोगों से कई बार आश्वासन मिला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लोग लागू करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके अलावा हम लोग 4-5 सालों से लगातार प्रशासन से आग्रह करते रहे, उसके पूर्व में भी लोगों ने आग्रह किया, तो विश्वविद्यालय लास्ट 2-3 साल पहले हम लोगों ने एक बार हड़ताल किया था, उस दौरान विश्वविद्यालय ने मजबूर होकर करके तब हम लोगों के प्रोन्नति के बारे में थोड़ा नींद से जागा और उसकी गाइडलाइन धीरे, तब उन लोगों ने बहुत ही धीमी गति से कंटिन्यू किए हुए हैं। कहना सिर्फ यही है, हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा बना उसको राजभवन द्वारा नोटिफाइड किया जाता है, वो नोटिफाइड हो चुका, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जो सुझाव आए थे, जिसमें सारे शिक्षकों का भला हो सके और सबका भला होने के साथ ही साथ विश्वविद्यालय का भला हो सके, लोगों की प्रोन्नति हो, लोग मन लगा करके काम कर सकें, तो वो सारी बातें वहाँ तक नहीं आई। नाम अपना, मेरा नाम डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा। और हम लोगों का प्रमुख रूप से सिर्फ एक मुद्दा है, प्रमोशन, प्रोन्नति। जो हम लोग बैठे हुए हैं जिस मांग को लेके, वह मांग 15 वर्षों से लंबित है। इस बीच में विभिन्न वर्षों में नियुक्ति हुई और सभी लोगों का आज के डेट तक एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है, जिसमें कुछ लोगों का 2 प्रोन्नति, किसी की 3 प्रोन्नति,
अभी तक लंबित है। हम लोगों ने प्रयास किया, यूनिवर्सिटी के साथ बहुत बातचीत की, यूनिवर्सिटी ने पहल करने का एक दिखावा किया कि हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनकी मानसा जो है ठीक नहीं थी, जिसके कारण आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जिससे हम लोग बाध्य होकर ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है आज और कल भूख हड़ताल कार्यक्रम है। इससे पहले हम लोग काला बैज लगा के प्रोटेस्ट कर चुके हैं और 16 नवंबर से हम लोगों का ये रिले हैंगर स्ट्राइक होगा। हम यदि हम लोगों की बात नहीं माने गई तो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये हम लोगों का वाजिब हक है और इस मिलना ही चाहिए। इसमें प्रशासन गंभीरता से सोचे, हम लोगों का ऐसा कोई भी कदम नहीं होगा जो विश्वविद्यालय के अहित में होगा, विश्वविद्यालय के विकास में, यहाँ के शिक्षण में, यहाँ के शोध में, यहाँ के प्रसार में हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की गति में कोई कमी आवे। यदि ऐसा कुछ आभास होता है और पाया जाता है, इसके लिए हम लोग नहीं, विश्वविद्यालय पूर्णतः जिम्मेवार है। डॉक्टर राम बालक प्रसाद निराला, जूनियर साइंटिस्ट कम असिस्टेंट।